بِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी, सुबह का टाइम है, मेरी सफाई कंप्लीट हो चुकी है। मैं अपनी टेबल साफ़ कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ, जो कि बार बार कलर ऐसा है कि ऐसे लगता है साफ़ हुई ही नहीं है। तो बस सारा दिन ऐसे ही घर के कामों में माशाल्लाह से गुजर जाता है। तो अब मैं जाने लगी हूँ किचन में और तैयारी करने लगी हूँ अपने खाने की। तो जी, आज हम बनाएंगे आपके साथ माश की दाल। इसके लिए मैंने ले लिया है एक प्याज मीडियम, उसमें मैंने डाला है ऑयल। अब मैं इसको करूँगी गरम, हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे। रोज़ का यही टेंशन, क्या पकाना है क्या पकाना है। तो जी, आज मैंने सुबह से ही सोचा हुआ था कि मैंने ये बनाना है, और इसीलिए जल्दी से डिसाइड कर पाई कि मैं क्या पकाने लगी हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने प्याज़ में ऑयल डाल के उसको हल्का सा पकने रख दिया। आप लोगों के साथ भी यही मसला है कि क्या पकाना है। बच्चे कोई चीज़ खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, बस बच्चों की वजह से बहुत सेलेक्टिव चीज़ें हम लोगों को पकानी पड़ती हैं। बस अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। हम लोग इसी तरह अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करते रहें। लेकिन वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को हर चीज़ खाने की आदत डालूं, मगर फिर भी जब भी थोड़ी बहुत इनकी माननी भी पड़ती है। लेकिन ये दाल ऐसी है, हमारे घर में सब बहुत शौक से खाते हैं। तो जी, ये दाल है, मैंने आधा कप ली है चने की दाल और एक कप ली है मैंने माश की धुली हुई दाल। इसको मैंने 2 घंटे भिगो के रख दिया था। अब ये प्याज हल्के फ्राई हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चों से पूछ के खाना बनाते हैं या बस खुद डिसाइड करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या रूटीन है आप लोगों की। मुझे भी सजेस्ट कीजिएगा कि मैं किस तरीके से डिसाइड करूं आज क्या पकना है क्या नहीं पकना। बहुत मुश्किल हो गई, ऊपर से इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि किचन में जाने को दिल नहीं करता। लेकिन मुझे कुकिंग का इतना शौक़ है कि मैं हर वक्त, बस मेरा दिल करता है मैं पकाती रहूँ, कुछ ना कुछ बच्चों के लिए बनाती रहूँ। तो जी, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ज़ीरा, कलौंजी के चंद दाने और ये लौंग मैं ऑयल में डाल के, और ज़ीरा मैंने लिया है जी सफ़ेद। इसको मैं, इसकी बस इसके अंदर कड़कड़ाहट सी आ जाए, एक खुशबू सी निकल आए जो गरम मसाले और ज़ीरे के अंदर होती है, उस खुशबू को हमने लेकर आना है। अब ये प्याज हो गए हैं जी फ्राई। अब मैंने ये फ्रेशली चॉप जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने कुंडी में पीसा है, मैं ग्राइंडर में पीस के नहीं रखती हूँ। और ये है जी हरी मिर्चों का पेस्ट, ये मैं डाल रही हूँ। इसको डाल के मैं हल्का सा भूनूंगी कि लहसुन अदरक की और हरी मिर्चों की जो खुशबू है ना वो अच्छे से आने लग जाए। और लहसुन अदरक की थोड़ी सी भुनाई करनी इस स्टेप पे बहुत ज़रूरी है। और आप अगर फ्रेश चॉप करके डालेंगे ना लहसुन अदरक और हरी मिर्च, उसका मसाला बड़ा अच्छा बनेगा। क्योंकि मेरे बच्चे कभी हरी मिर्चें चुन रहे होते हैं खाने में से, चुन चुन के साइड पर हो रहा होता है सब कुछ, बहुत मुश्किल है। तो बस यही आइडियाज़ जहन में आते रहते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए। तो मैं हरी मिर्चें पीस के ही डालती हूँ हमेशा। अब इसको आप थोड़ा सा भून लें, और थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसमें अपने जो ड्राई मसाले हैं वो ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च, मगर 1 टीस्पून से कम, और 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है धनिया पाउडर, जो कि मैं घर में पीसती हूँ। उसको मोटा मोटा पीस लें आप, और वो डाल के इसको 2 मिनट के लिए आपने करना है फ्राई, कि मसाला अच्छे से भुन जाए। इस स्टेप पे अगर आप ड्राई मसाले डालेंगे ना, हांडी की रौनक ही अलग होगी। अब मैं डालूंगी जी इसमें एक चॉप टमाटो, एक बारीक कटा हुआ टमाटर, उसको भूनूंगी। उसको 1-2 मिनट भूनने के बाद इसको आप ढक दें थोड़ी देर के लिए, ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और इसको आप अब भून लें, और इसके टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए।
सॉफ़्ट होने के बाद फिर ये मसाला भूनने में आसानी होगी, इसलिए मैंने इसको ढका था कि टमाटर सॉफ्ट हों। जो टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं और मैं इसकी दोबारा से भुनाई कर रही हूँ ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से घुल जाएं, उनको बिल्कुल चॉप कर लेना आपने इसी स्टेप पर। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे जी अपनी दाल जो हमने भिगो के रखी हुई है, और इतनी ये मज़े की दाल बनती है, ढाबा स्टाइल दाल। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और सबको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि दालें बच्चे नहीं खाते हैं, दालों को नए नए तरीके से बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं माश की ही दाल को 2-3 तरीक़ों से बनाती हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी हमारे घर में किस तरीके से 2-3 तरीक़ों से ये दाल बनती है। और ये तो फ्राई दाल है जो कि ढाबा स्टाइल में हम लोग बनाते हैं, ये बिल्कुल सेम स्टेप है। हाँ, इसमें हम सूखी मेथी ज़रूर डालते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को उसकी स्मेल से एलर्जी है, लेकिन उसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त लगती है दाल में, बहुत अच्छी वो लगती है। अब इस दाल को मैं अच्छे से सारे में मिक्स कर लूँगी, मसाले के अंदर आप इसको मिक्स कर लें। और ये भी आपको पता ही होगा, जाहिर सी बात है हर घर में दालें बनती हैं, कुछ दालें बहुत जल्दी गलती हैं और कुछ दालें बहुत टाइम लेती हैं गलने में, जिनमें से ये दो दालें हैं, माश की दाल और चने की दाल, ये बहुत टाइम लेती हैं गलने में, इनको थोड़ा टाइम लगता है गलने के लिए। तो इसको तकरीबन आप 1 कप पानी डाल के, 1 कप भर के पानी डाल के इसको आप पकने के लिए रख दें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें पानी को सब, ताकि मसाले भी एक साथ यकजा हो जाएं। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और आँच को थोड़ा सा मैंने तेज़ किया और इसे ढका है ताकि इसमें थोड़ा जोश आ जाए। अब इसमें जोश आ गया है और मैंने इसको दम पे रख दिया था, और अब मैं इसको चेक कर रही हूँ जी। तकरीबन ये दाल 30 मिनट मैंने रखी है दम पे और ये दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 30 मिनट आपको रखनी ही रखनी है, हल्की आंच पे रखेंगे तो जायका होगा। अब ये मैंने एक पैन में लिया है सॉस पैन में देसी घी, उसको मैं गर्म कर रही हूँ। इसमें 4 गोल साबुत मिर्चें, ज़ीरा कटा हुआ, अदरक और हरी मिर्चें, ये सब डाल के मैं इसका तड़का तैयार कर लूँगी। ये जी तड़का अब हमारा तैयार हो रहा है, देसी घी से इसको तड़का लगाइएगा क्योंकि खुशबू अलग ही होती है दाल में, देसी घी का या मक्खन का तड़का मस्ट है, उसके बगैर दाल अधूरी है। और आप हरी मिर्ची और अदरक इसी तड़के में जब ऐड करेंगे ना, उसका बहुत ज़बरदस्त जायका आएगा, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी, दिल भी करेगा खाने को। गुल हरी मिर्च को मैंने कट लगा के इसलिए डाला है ताकि थोड़ा सा स्पाइसी भी हो जाए ऑयल, और गोल मिर्च इसलिए मैंने इसमें ऐड की है कि जिसका दिल करे ज़्यादा स्पाइसी खाने का तो वो इस मिर्च को तोड़ के आराम से खा सकता है। लेकिन दालें जो हैं उनको चटपटी ही बनाना पड़ता है ताकि उसको खाने का मज़ा आए, और चटपटी दाल बहुत मज़े की लगती है, और गर्मियों में तो दालों का मज़ा ही अलग है, दालों को खाने का मज़ा ज़बरदस्त दुबाला हो जाता है हम लोगों का। तो गर्मियों में दालें लाजमी बनाएं, लाइट होती हैं, खाई जाती हैं, बहुत मज़ा आता है गर्मियों में दालें खाने का। और इस दाल को चपाती के साथ हम लोग खाते हैं, रोटी के साथ इस दाल का मज़ा अलग है, बहुत मज़े की लगती है। ताज़ी ताज़ी रोटी हो, ऊपर घी लगा हुआ हो, देसी घी या मक्खन आपने लगाया हो और उसके बाद आप इस दाल के साथ उसको खाएं तो बहुत मज़े की लगती है ये दाल। अब ये मुसलसल मैं इसको हिला रही हूँ, मुझे ज़्यादा इसको काला नहीं करना है, ज़ीरा तो हो गया है जितना फ्राई उसने होना था, बस मुझे हल्का सा अदरक का कलर चेंज करना है, और गोल मिर्च भी लाल हो चुकी है जितनी होनी थी। तो बस आप इसको, कच्चा कच्चा अदरक भी रहेगा, थोड़ा फ्राई होगा, अच्छी सी खुशबू इस तड़के में से आने लगेगी जब अदरक की और हरी मिर्चों की। अब जी मैं इस बाउल में जिसमें मैंने दाल डाली है उसमें मैं इस तड़के को डाल दूंगी, और जी ये हमारी दाल फ्राई रेडी है। सर्विंग बाउल में आपने तड़का लगाना है। अब जी दाल खाली तो खाई जाएगी नहीं, तो इसके साथ मैं बनाऊंगी आज भरी हुई मिर्चें, खट्टी मिर्चें। ये मैंने मिर्चों को कट लगा के इसके बीज निकाल लिए और अच्छे से उनको पानी से धो लिया है ताकि इनकी जो और सख्ती है मिर्चों की वो भी ख़त्म हो जाए। सारी मिर्चों को मैंने कट लगा के इसका सारा कुछ निकाल लिया। मैं दूसरे बोल में
मैंने लिया है जी 2 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ धनिया। ये 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया है जो कि मैं इसमें डाल दूँगी, मैंने वैसे नाप के रखा था। और ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 हाफ़ टीस्पून नमक। ये ले लें आप क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए ध्यान से नमक डालिएगा। और ये मैंने 4 लीमू थे उनका रस लिया है, इसको मैं इसके अंदर डालूंगी और थोड़ा सा रस मैं बचाऊंगी क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा मसाला ज़्यादा नरम ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपना बचा लिया। आगे मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर इसमें ऐड करूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी होगा। हाँ जी, ये बिल्कुल काफ़ी है और आपको नींबू का रस डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपकी मिर्चें ज़्यादा और मसाला ज़्यादा फिर आप डाल सकते हैं देख कर। लेकिन ये मसाला पतला नहीं होना चाहिए, ये इतना ही मोटा होना चाहिए कि मिर्चों से निकले नहीं है बाहर जब हम उसको फ्राई करेंगे। अब जी आप देखें, मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं टेस्ट कर रही हूँ, नमक बिल्कुल ठीक है क्योंकि चाट मसाले में भी था और लेमन भी थोड़ा खट्टा होता है, तो आप बिल्कुल नमक का बहुत ध्यान रखें। अब मैं भरने लगी हूँ इसके अंदर मसाला और आप यकीन करें इसको आपको मज़ा आ जाना है दाल के साथ ये मिर्चें खाने का, क्योंकि हम लोगों ने तो ये मिर्चें इतनी इंजॉय की हैं दाल के साथ के मज़ा आ गया आज। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, दाल को भी और मिर्चों को भी, क्योंकि ये गर्मियों का ख़ास कॉम्बिनेशन है दाल के साथ भरी हुई मिर्चें। अब ये सारी मिर्चें मेरी तैयार हो चुकी हैं। मैंने लिया है जी 1/2 कप बेसन और बेसन के अंदर मैं अब ड्राई मसाले अपने ऐड करूँगी, जिसमें मैं अब डालने लगी हूँ जी जितने भी ड्राई आपके मसाले होते हैं, जैसा आप लोगों को पता ही है जब हम पकौड़ों वगैरह में यूज़ करते हैं। ये हैं जी लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून से कम नमक है और ये है जी ज़ीरा। अच्छा, नमक और मिर्च आप लोगों ने अपने हिसाब से रखनी है, चाहे मिर्चें भी आप भर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी मिर्चें पसंद नहीं करते ना तो आप पिसे हुए धनिए की मकदार को बढ़ा लें, आप चाट मसाला डाल लें। लाल मिर्च मैंने नहीं डाली क्योंकि चाट मसाले में अच्छी खासी मिर्चें होती हैं। बस नमक का ध्यान रखिएगा क्योंकि नमक मिर्चों में भी है, नमक अगर हम बेसन में भी बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो मज़ा नहीं आना है। बिल्कुल नमक का बहुत ज़्यादा बैलेंस आप रखें। फिर वैसे भी आजकल हर घर में किसी को परहेज़ है नमक का, कोई ना कोई सबके साथ मसले हैं, तो नमक और मिर्च बहुत ध्यान से डालें आप लोग। फिर जायका भी इतना मिर्चों मिर्चों और नमक वाला हो जाता है कि आपको मज़ा ही नहीं आता, आप लोग खा क्या रहे हो, इसलिए नमक मिर्च को बैलेंस रख के डालना चाहिए। अब मैं इसको अच्छे से अपने बीटर से इसको मैं बीट कर रही हूँ बेसन को। अच्छा, मेरे पास ये जितने आपको गैजेट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये सब हमना मुझे प्रोवाइड करती है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं ज़रूर इसको अपनी वीडियो में लाऊँ हर चीज़ को, जो जो उसकी चीज़ें होती हैं। अब ये देखिए मिर्चें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, इनको मैं निकाल रही हूँ। और इस आपको आपने इसको ज़्यादा ना हल्की आंच पे नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हल्की आंच पे करेंगे ना मिर्चों से मसाला निकल निकल के फैल जाएगा, और थोड़ा सा फैला भी है क्योंकि मेरी एक मिर्च ज़्यादा कट लग गया था उसको, तो उससे ऑयल का कलर ही थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो मसाला थोड़ा सा मेरा निकला है बाहर। अब ये जी मेरी मिर्चें बिल्कुल रेडी हैं और यकीन कीजिए इतनी ज़बरदस्त मिर्चें बनी थी ना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और फाइनली हमारा डिनर रेडी है क्योंकि हमने साथ कचूमर सैलड। और अब आप अपना बहुत ख्याल रखिए और ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।